नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाणं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोऽहं गतिं पते वोच्यामि समय पाहुड मृणमोसद केवलीमणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिरे गुजराती चाल से के हिंदी भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद कुंदे द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार कौन सी गाथा ले गाथा भी बोल दो हाँ मेरे यहां निकली है 69 गाथा 69 कर्ता कर्म अधिकार की पहली वो निकली है वो लेना तो बोलो निजराधिकार निजराधिकार चलेगा चलो समय सार में सबसे बड़ा अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 108 गाथा का उसके बाद सेकंड नंबर सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार 76 गाथा का अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार में एक सिंपल प्रश्न पूछता हूं आत्मा को कर्ता बताना है कि अकर्ता बताना है कर्ता कर्म अधिकार में भगवान आत्मा को कर्ता बताना है कि अकर्ता बताना है बोलो भैया बबलो भैया सिंपल प्रश्न है कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा को कर्ता बताना है कि अकर्ता बताना है अरे बोलो जल्दी अरे अपन तो अकर्ता वाले हैं आत्मा कहते अपन तो गुरुदेव श्री वाले अकर आत्मा करता है यहाँ अकर्ता नहीं बताना है यहाँ कर्ता बताना है क्या बोला यहाँ ये अधिकार में अकर्ता नहीं बताना है कर्ता बताना है अभी दूसरी बात कर्ता भी नहीं बताना है अकर्ता बताना है माने क्या ये अधिकार में आत्मा को कर्ता बताकर अकर्ता बताना है समझना ध्यान से पूरे 76 गाथा को दो भाग में डिवाइडेड करें अज्ञान अवस्था में राग का कर्ता है लेकिन पर का अकर्ता सिंपल है अज्ञान अवस्था में राग का कर्ता है लेकिन पर का अकर्ता है और ज्ञान अवस्था में ज्ञान का कर्ता और राग का कर्ता ये दो ट्रैक पूरे 76 गाथा में लिखी फिर से रिपीट करता हूं आत्मा को कर्ता बताकर अकर्ता बताना है उसके दो भाग किए भैया अनुभव कौन कौन से दो भाग एक ज्ञानी का एक अज्ञानी का ज्ञानी ज्ञान का कर्ता तो है लेकिन राग का कर्ता नहीं है और अज्ञान अवस्था में राग का कर्ता है लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है ये दो बात एक कर्ता कर्म की 76 गाथा में बताना है उसमें शुरुआत में 69 से 79 गाथा 69 to 79 जो 11 गाथा है उसमें समझना क्या क्या विषय है अपन को 69 गाथा लेनी है तो 69 to 79 11 गाथा में कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति बताएंगे वो भ्रांति से कर्म का बंध बताएंगे वो भ्रांति का अभाव कैसे हो बताएंगे तीन बात और चौथी ज्ञानी कैसे होते हैं ये चार बात 11 गाथाएं बताई है फिर से रिपीट करता हूँ कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान कैसे होता है एक बताएंगे वो अज्ञान से कर्म का बंध कैसे होता है वो बताएंगे दो बात
अज्ञान का अभाव कैसे हो, कर्ता कम समझे अज्ञान का अभाव कैसे हो बताएंगे तीन बात, और ज्ञानी हो गया वो कैसा है ये चार बात 11 गाथा में बताएंगे। बराबर, अपन 69 गाथा की शुरुआत करते हैं। अपन ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ, उसके पहले 46 नंबर का कलश है, आप निकाल लो स्टार्टिंग वाला 46 नंबर का कलश। अगर इधर देखो, अपन साथ में पढ़ते हैं। एक करता चिद हम इह में, हमारे यहाँ थोड़ी शैली अलग है पंडित जी, हमारे यहाँ रिवाज है जब भी गाथा या कलश का पाठ करते हैं सभी हाथ जोड़ के बैठ, ये आपको अनुकूल हो तो ठीक है, हमारे यहाँ रिवाज है। हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है। देखो दो बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं हक से भी कह सकता हूँ सबको, हाँ प्रेम से भी कह सकता हूँ और डांट के भी कह सकता हूँ, इतना तो मेरे को हक है। इधर जबलपुर में जब भी मंगलाचरण विद्वान करते हैं, खाली विद्वान को मंगलाचरण नहीं करना है, प्रवचन का को नहीं करना, सभी को हाथ जोड़ के विनय करना है। जब तक विनय नहीं होगा ना तब तक ये विद्या अंदर प्रवेश नहीं होगी। तो जब भी कोई भी विद्वान यहाँ मंगलाचरण करे आप सभी हाथ जोड़ के बैठे, ये हमारे यहाँ का रिवाज है हिमनगर का। और दूसरा, कोई भी कलश कोई भी गाथा का पाठ करेंगे सभी लोग हाथ जोड़ के बैठेंगे, ये हमारा रिवाज है। आपको अनुकूल हो तो कर सकते हो जी अशोक जी, एम आई राइट? ओके चलो, एक साथ में बोलेंगे। एक करता चिद हम इह में, कर्म को पादयोमि, इत्याज्ञानम समयदभित कर्तु कर्म प्रवर्तिम ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दात अत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्वासी विश्वम। अमृतानंद स्वामी की एक स्पेशियलिटी है, जैसे आपके यहाँ की भी स्पेशियलिटी होगी, हमारे अहमदाबाद में आओ तो वहाँ फाफड़ा मिलते हैं, खमण मिलते हैं, ढोकड़ा मिलते हैं, वो वहाँ की अहमदाबाद की स्पेशियलिटी। आपके यहाँ की कोई स्पेशियलिटी होगी क्या है मालूम नहीं आपकी, क्या इधर अनुभव, क्या फेमस है यहाँ का? खोवे की जलेबी। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य स्वामी की एक स्पेशियलिटी है, अधिकार के पहले और अधिकार के अंत में ज्ञान की महिमा का कलश कहेंगे, ये इनकी एक स्पेशियलिटी है। माने अधिकार शुरू करने से पहले आपको ज्ञान के चश्मे पहना देंगे, आप ये चश्मे पहन के देखो तो आपको पूरा अधिकार कैसा दिख, फिर हमसे बोलना, फिर हमसे बोलना, लेकिन ये चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। एक ज्ञान ज्योति के चश्मे पहन लो, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ऐसे जब हम छोटे थे, माने छोटे नहीं कॉलेज में पढ़ते थे, तब छोटा चेतन पिक्चर आया था, थ्री डी मालूम है आपको, यहाँ आया था, आया ही होगा। तो वहाँ पिक्चर देखने जाते थे तो सबको चश्मा देते थे, चश्मे वाले को भी चश्मा देते थे। क्यों चश्मा देते थे बोलो, मालूम है? क्योंकि थ्री डायमेंशन की इफेक्ट आपको वो चश्मा पहनेंगे तब मालूम पड़ेगी, वहां से ऐसे तीर छोड़ेगा ना तो आपको ऐसे लगे मेरे पर आया, मालूम पड़ेगा वो चश्मे पहने था। ऐसे आपको अमृतानंद स्वामी ज्ञान स्वभाव के चश्मे पहनाते हैं, ये चश्मा पहनकर आप ये अधिकार को देखना, फिर कर्ता कर्म क्रांति रहती है कि नहीं बाद में देखना, ये बात ज्ञान की है। बराबर, शुरुआत की लाइन गजब की है, देखो पढ़ते हैं। यह इस लोक में, बराबर है ना, इस लोक में मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसमें क्या गलती आई बोलो मेरे को, लोक की सिद्धि की इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें गलती है कोई, ये छद्र लोक है, प्रॉब्लम है आपको, अज्ञान हो गए इसमें, नहीं हुआ। मैं ज्ञान चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, उसमें कोई अज्ञान है, अज्ञान है नहीं है। आगे, और एक मैं करता, इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, एक करता, यहां तक क्या अज्ञान आया कौन बोलेगा बोलो, यहां तक अज्ञान क्या आया? हाँ, इस मैं फिर से पढ़ता हूं, इस लोक में
मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता, उसमें अज्ञान क्या आ गया? बोलोगे संदीप ना? हाँ बोलो, अज्ञान क्या है इसमें? करता हूं। अच्छा बोलो भैया, बोलो भैया, अज्ञान क्या है इसमें? मिथ्या ज्ञान क्या? मिथ्या तो क्या हो गया? बोल बेटा। इसमें अज्ञान क्या आया इतना मत बताओ मेरे को। बोलो भैया, आप बोलेंगे भैया क्या इसमें अज्ञान क्या आया? नहीं अज्ञान ही आया कि मैं तो मनुष्य और चैतन्य स्वरूप आत्मा लिखा हुआ अज्ञान हुआ। फिर नहीं, ये तो तेरा स्वरूप है, ये तो अपना स्वरूप है और मैं करता। वास्तव यहां तक कोई अज्ञान नहीं है, यहां तक कोई अज्ञान नहीं है। क्यों? कि आत्मा में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान शक्ति है, वो शक्ति है हर द्रव्य में है, वो अज्ञान का कारण नहीं है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है वो भी अज्ञान का कारण नहीं, और आत्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा करता है एक करता वो भी अज्ञान नहीं। अज्ञान क्या हुआ? आगे पढ़ो, एक रुदादि वह मेरे कर्म, तो करता जहां होगा होगा वहां कर्म होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसने एक गलत क्या बोला? गलत क्या बोला? वो ट्रेन में चढ़ा, एक बैग लेके चढ़ा ट्रेन में, अहमदाबाद से मैं एक बैग लेके चढ़ा और जबलपुर उतरते एक समय एक बैग मैंने हाथ में लेके मैं नीचे उतरा, तो उसने भैया मैंने गलती कहा, मैं एक बैग लेके आया और एक बैग ले जाता हूँ, उसमें गलती कहाँ की मैंने? अशोक जी गलती कहाँ की मैंने? बैग तो एक लाए थे लेकिन आपने आपकी बैग नहीं ली, दूसरे की बैग ले ली। आत्मा करता तो है लेकिन प्रॉब्लम यह है आप कर्म किसको बनाते हो? ज्ञान को कर्म बताओ कि राग को कर्म बनाते हो? अरे समझ में आता है? गुरुदेव सिंह ने 19वीं बार के प्रवचन में, इसके 19वीं बार के प्रवचन में एक बात को इतनी बढ़िया माने एक्सप्लेन की है, एक शब्द ऊपर और कर्ता शब्द ऊपर बहुत माने उन्होंने वजन दिया है। 19वीं बार की समस्या सिद्धि में आप पढ़ लेना। ज्ञानी आत्मा करता है कि नहीं है? है, लेकिन वो भी करता है, अज्ञानी भी अपने को करता मानता है, ज्ञानी भी करता मानता है, दोनों सेम है। तो फर्क कहां पड़ा? फर्क कहां पड़ा? आप कर्म किसको बनाते हो? ज्ञान को कर्म बनाते हो कि राग को कर्म बनाते हो? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करता है नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां आया? बोले भाई कितने पैसे हुए भैया? मैंने 500 रुपया, मैंने 500 दे दिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पॉकेट में हाथ डाला कि बाजू वाले के पॉकेट में हाथ डाला? आपने हाथ 500 रुपया दिए लेकिन हाथ कहाँ डाला आपने? ऐसे कर्म तो बनाया लेकिन किसको कर्म बनाया? बनाना होना चाहिए ज्ञान कर्म, होना चाहिए ज्ञान कर्म, और बनाया क्रोधादि को कर्म, वहां प्रवृत्ति अज्ञान की शुरू हो गई। एक कर्ता कर्म अधिकार का बेस है। और गुरुदेव श्री ने तो इतना तक लिया है, मैं एक कर्ता माने राग का कर्ता, राग वो भी गया। राग का कर्ता वास्तव में कौन है? राग, वो भी गया। कर्म के निमित्त से होता है तो निमित्त के बाद कर्म करता वो भी गया। मैं करता ये अज्ञान, जैसे कोई कार्यकर्ता होता है ना उसको अभिमान होता है, इस सब किसने किया? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसे इसको अभिमान है। ये राग भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, सामायिक स्वाध्याय किसने किया? अरे बोलो किसने किया? मैंने किया। अज्ञान मंदिर में आके अज्ञान खड़ा कर दिया उसने। वो अज्ञान को जो पढ़ते अपन फिर से, इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता और क्रोधादि भाव मेरे कर्म, ऐसी अज्ञान की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, बराबर। ये मेरे को 69 का बेस बनाना है। अज्ञान रूप प्रवृत्ति बोला, कौन सी कर्ता कर्म शब्द अज्ञान? 168 गाथा तक भी अज्ञान की बात आई लेकिन एकत्व ममत्व की बात आई। अब जो 69 से 144 76 गाथा में वो अज्ञान की बात आएगी लेकिन कौन सा अज्ञान? कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान। कौन सा अज्ञान? कर्ता कर्म अज्ञान। दो भाग कुनकुन आचार्य देव ने किए, आत्मा कर्ता और
ज्ञान कर्म, माने राग कर्म नहीं है, और आत्मा करता ज्ञान अवस्था में और राग कर्म लेकिन पर का करता नहीं है। यहाँ पहली बात चलेगी अपन, बराबर। अभी 69 गाथा निकालो अपन, 69 गाथा कलश बाकी का पढ़ लेना, आपको लेसन में दे दिया। चलो अब मिला, नीचे नीचे पहले ऊपर गात निकालो और निकालो ऊपर, बस 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 बस। अब जब तक यह जीव आश्रव आत्मा के विशेष को, तफावत को जाने नहीं, तब तक अज्ञानी और आश्रम में लीन रहता है और कर्मों का बंद करता है। तीन चार बात कह दी। मैं रिवर्स से चलता हूं, जल्दी याद रह जाए। अज्ञानी को कर्म का बंद होता है, क्या बोला आप बोलते जाओ तो मजा आएगा। अज्ञानी को कर्म का बंद होता है, क्यों होता है, क्यों होता है? आश्रम में आश्रम इसलिए नहीं, आश्रम इसलिए नहीं, आश्रम में लीन होता है, क्या बोला आश्रम में लीन होता है, बराबर। आश्रम में लीन क्यों होता है कि आत्मा और आश्रम के बीच में भेद तफावत तो है लेकिन वो जानता नहीं है, जानता नहीं है, इसलिए इसमें लीन बढ़ता है, लीन बढ़ता है, उसको कर्म का बंद चालू हो जाता है। सिंपल है, फिर से बोलेंगे भाई आप बोलो, क्या बोलो बोलो भैया। अज्ञानी को कर्म का बंद होता है, नंबर एक, क्यों होता है? आश्रम में लीन बरतता है। आश्रम में लीन क्यों बरतता है? क्योंकि आत्मा और आश्रम के बीच में भेद तो है लेकिन उसको भेद दिखता नहीं है, इसलिए दोनों को एक मानकर उसमें लीन बरतता है, और लीन बरतता ना तो वहां कर्म का बंध शुरू हो गया। समझना, यहां ये गाथा में पर्याय में जो रागादि भाव है वो बंध का कारण है लेकिन उसको नहीं गिना है। समझना ध्यान से, पर्याय में होने वाले रागादि भाव, कषाय भाव, आश्रव भाव, वो बंध का कारण तो है लेकिन वो अल्प बंध का कारण है, लेकिन यहां आश्रम में जो लीन होता है वो महाबंध का कारण है। दोनों में फर्क है। देखो ये वायर खुला हो जावे, इलेक्ट्रिक का वायर, बराबर, और उसमें करंट चालू है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा? अरे होगा आपको प्रॉब्लम, कब होगा? पकड़ोगे तो, नहीं पकड़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये मेरा रागादि भाव है, उसको पकड़ा, और गुरुदेव जी कहते हैं वहां पकड़ा ना तो आत्मा छूट गया, वहां अहमपना किया ना तो आत्मा में अहमपना नहीं आया। ये बात ये दो गाथा में बतानी है, पहले गाथा का पाठ करेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, आपको रिपीट करना है, बराबर। वो प्राकृत वाला निकालो, जावण वेदि विशेषंतरम तू आदासवान दुण हम्पी अन्नानि ताव दोसो ओहादि सुवट्टते जीवो ओहादि सुवट्टं तस्स तस्स कम्मस्स संचवो होदि जीवस्सेवं बंधो वणिदो खलु सर्वदर्शिहिं यावन् वेति विशेषांतरम् पद्माश्रवयोद्वयोऽपि अज्ञानी तावस्स
क्रोधादिषु वर्तते जीव, क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति, जीवस्येवं बन्धो वणित खलु सर्वदर्शिनः। अभी आप हिंदी वाला बोलना, मेरे को गुजराती में याद है। आधार दिया किसका? सर्वज्ञ भगवान का। देखा ना, सर्वदर्शी हिम। आपको मालूम है पूरे समय सार में कितनी बार सर्वज्ञ भगवान का रेफरेंस दिया है? मालूम है? नहीं मालूम है? 37 बार पूरे 5 परमागम देखे ना, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपौड़, 85 का है, तो 175 बार आधार दिया है। किसका? इसका, सर्वज्ञ भगवान का। क्योंकि कुंकुंद आचार्य देव को मालूम था पंचम काल है, वक्रचित वाले हैं, जल्दी मेरी मानेंगे नहीं, पिताजी ने ऐसा कहा है, बोल दिया तो कोई बोलेगा नहीं, भगवान ने ऐसा कहा है। हाँ देखो, जावण वेदी विसंसतरम, जब तक विशेष और अंतर, दो शब्द में बोलता हूं, जब तक विशेष अंतरम, ऊपर अपन प्राकृत पढ़ते हैं, प्राकृत वाला निकालना भैया, चावण वेदी, जब तक क्या विशेष अंतरम, उसका दो भाग कर दो, विशेष प्लस अंतर। क्या बोला? विशेष प्लस अंतर। किसके बीच में? तू आदा आश्रवण दोहम्पी, आत्मा और आश्रव के बीच में। पहली लाइन अंकित मालूम पड़ गए? बोल, क्या बोला? हाँ बोलना, पर क्यों तेरे को ही पूछा, और को किसी को क्यों नहीं पूछा? हाँ तू लेट आया इसलिए तेरे को पूछा, और को नहीं पूछा, तू लेट आया ना अभी इसलिए तेरे को पूछा। जावण वेदी, जब तक क्या नहीं करता? विशेष और, ये दो शब्द याद रखना। क्या आप, कौन से शब्द है? विशेष प्लस अंतर। माने क्या, विशेष और अंतर में क्या फर्क है? विशेष और अंतर में क्या फर्क है? एक ही बात होती है अशोक जी, विशेष प्लस अंतर दो शब्द लिखे हैं। विशेष माने क्या, अंतर माने क्या? किसके बीच में? किसके बीच में? आदा आश्रम दोहम्पी, आत्मा और आश्रव के बीच में। आश्रव माने भाव, आश्रव क्रोधादि भाव, राग मोह के भाव, यहाँ आत्मा और ये रागादि भाव, वो दोनों के बीच में विशेष और अंतर जब तक नहीं करता, अनाणिता तब तक अज्ञानी। बराबर, देखो नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, आत्मा, आपकी हिंदी में क्या है, मेरे गुजराती में वो अनुवाद निकालना। हाँ, रे आत्म आश्रव का जहां तक वेद जीव जाने नहीं, करे नहीं कि जाने नहीं, करे नहीं क्यों लिखा, क्यों ऐसा नहीं लिखा करे नहीं? आत्मा और राग को जुदा जब करे नहीं ऐसा नहीं लिखा, जुदा जाने नहीं ऐसा क्यों लिखा? जुदा तो है, जुदा करना नहीं है, जुदा तो है, लेकिन तेरे को दिखता नहीं है। देखो
मेरे कपड़े की दुकान है, साड़ी भी बिकती है। पहले आज से मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो लेडीज को 500 रुपये की साड़ी चाहिए और उसकी कैपेसिटी 100 रुपये की 200 रुपये की है, तो वो जॉइंट वाली साड़ी लेती थी। आपके यहाँ बिकती थी जॉइंट वाली साड़ी दो पीस? मतलब भैया अभी बिकती है? अभी नहीं बिकती होगी। हम पहले बेचते थे धोती भी, दो माने दो पीस जॉइंट वाली और साड़ी भी, माने वो लेडीज को 500 वाला माल 150 में चाहिए, एक बात ज्वाइंट वाली चाहिए, लेकिन ज्वाइंट ढाई ढाई वाला चाहिए। 5 मीटर की साड़ी आती है, ढाई ढाई का ज्वाइंट चाहिए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि ज्वाइंट वाली ढाई ढाई मीटर की साड़ी पहनेगी ना, तो आपके वो प्लेट बनाती है ना साड़ी के प्लेट, तो ज्वाइंट तीसरी प्लेट में आएगा, आगे नहीं आएगा। समझ में आया नहीं आया तेरे समझ में? हाँ बराबर। अभी वो ज्वाइंट वाली साड़ी किसी बहन ने पहनी है तो अपन को ज्वाइंट दिखता नहीं, उसका फोटो लो आप, ज्वाइंट दिखता नहीं है, तो ज्वाइंट है कि नहीं है? है लेकिन, है लेकिन, अरे बोलो, दिखता नहीं। ऐसे आश्रय आत्मा और आश्रय के बीच में भेद तो है, भेद तो है, लेकिन अज्ञान से भेद होने पर भी, अरे बोलो, भेद दिखता नहीं। और जब तक नहीं दिखता अन्नाणी ताव दोसो, तब तक अज्ञान। माने शास्त्र नहीं पढ़े तब तक अज्ञानी, ऐसा नहीं लिखा। व्रत तप नहीं किए तब तक अज्ञानी, ऐसा नहीं लिखा। शास्त्री के कोर्स नहीं किया तब तक अज्ञानी, ऐसा नहीं लिखा। मंदिर में रोज प्रवचन में नहीं आता तब तक अज्ञानी, ऐसा नहीं लिखा। अन्नाणी ताव दोसो, तब तक अज्ञानी। कब तक? कब तक बोलो भैया संदीप, कब तक? आत्मा और आश्रव के बीच में विशेष और अंतर जब तक नहीं जानता है तब तक अज्ञानी। अब उसको उल्टा करो, ज्ञानी कब होगा? क्या करना? व्रत करना, तप करना, अगरबत्ती करना, क्या करना? उसके पीछे क्या करना? जो वेद है, जुदाई है, जुदाई जानना। अन्नाणी ताव दोस्तों, तब तक अज्ञानी। अब गजब की बात है। अभी तक 3 स्टेप हो गए अपने। बोलो बेटा क्या बोलोगे? विशेष और अंतर को नहीं जानता तब तक अज्ञान। एक नंबर माने डेढ़ पद का सब हो गया। अभी आगे कोहादिसु वट्ट दे जीवो, कोहादिसु वट्ट दे जीवो, तब तक अज्ञानी है तो क्रोध में वर्तन करता है। कहाँ वर्तन करता है? क्रोध में वर्तन करता है। करना चाहिए ज्ञान में वर्तन और करता है क्रोध में वर्तन, अपना मानकर। जहां अपनापन होता है ना वहां उसका वर्तन होता है। देखो अभी शब्द किसके पे हाइड करना है मेरे को? वट्ट दे सुहादिशु वट्ट दे जीवो, हिंदी में क्या लिखा है नीचे? वट्ट दे का क्या लिखा है? वर्ता में स्थित, स्थिति स्थिति लिखा है ना हमारे यहाँ गुजराती में, माने वो स्थिति है, वहां स्थित करता है, वहां लीन होता है। कहाँ लीन होता है? क्रोधादि में लीन होता है। क्यों लीन होता है क्रोधादि में? अभी पीछे चलो, क्रोधादि में लीन क्यों होता है भैया? क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है? आत्मा और आश्रय के बीच में भेद नहीं करता, इसलिए भेद नहीं करता, इसलिए कि वेद जानता नहीं। इसलिए वेद तो, अरे बोलो, वेद तो है लेकिन उसको नजर नहीं आता। जब हम साड़ी के लिए पंडित साहब बनारस जाते थे खरीदी करने, मैं आज बात कर रहा हूँ 25-27 साल पहले की, तो वहाँ बनारस साड़ी, वो हैंडलूम की साड़ी आती है बराबर, तो वो चार पाई पे चढ़ाते हैं ना बुनने के लिए, तो निकालते समय थोड़े उसमें छेद जैसा हो जाता है। फिर अपन दिखाते हैं, ये तो क्या है, फटी हुई है। क्या चिंता नहीं, मती हो जाएगा, मती माने उसका रफू हो जाएगा, आपको आप ढूंढ नहीं पाओगे। जैसे सर पे अक्सर दाग ढूंढते रह जाओगे, हाँ दाग ढूंढते रह जाओगे, ऐसे आप रफू ढूंढ, माने उस टाइम फटी को रफू तो किया है लेकिन आपको दिखता नहीं है। बस ऐसे ही ज्ञान और राग में बीच में मोक्ष अधिकार को याद करो ना, साध है, संधि है, लेकिन अपन को
दिखती नहीं है, और दिखती नहीं है तो वर्तन करता है, स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? क्रोधादि में स्थित। ओहादि सुबट्ट दे जीवो, बराबर तीन बात हो गई। नंबर एक, आत्मा और आश्रव उसका भेद विशेष अंतर नहीं जानता, तब तक क्या हो गया? अरे बोलते जाओ अज्ञानी। और अज्ञानी हो गया तो उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या है? ओहादि सुबट्ट दे, क्रोधादि में वर्तन करता है, क्रोधादि में स्थित होता है, बराबर। अभी यहां स्थित हुआ, यहां स्थित हुआ तो यहाँ कर्म में कुछ होगा या होगा ना? कोहादि सुवट्टम तस्स, जो क्रोधादि में वर्तन करता है, क्रोधादि है उसको कर्म का बंध होता है, ऐसा नहीं लिखा, सुनना ध्यान से, क्रोधादि है उसको कर्म का बंध होता है ऐसा नहीं लिखा, क्रोधादि में वर्तन करता है उसको कर्म का बंध होता है। देखो क्रोधादि से कर्म का बंध नहीं होता, नहीं उसका कर्म तो बंध होता है, लेकिन अनंत बंध नहीं होता। यहां मिथ्यात्व के बंध को ही बंध गिना है, आपको मालूम है बेटा? आपके घर एसी होगा ना, एयर कंडीशन नहीं है? अच्छा किसके घर है यहाँ? तो कौन बोलेगा भैया जी बैठे, कौन बोलेगा? हाँ किसके घर एसी है? नहीं है आपके घर? आपके घर तो होगा ना? होगा, कोई बात नहीं, उसका तो मालूम है, वहीं ठहरा हूँ मैं अभी। मालूम है एयर कंडीशन में दो चीज आती है, एक कॉम्प्रेसर और एक फैन, बराबर है ना? हमारे गुजरात में तो ऐसा आता है, आपके यहाँ कैसा है मालूम नहीं, एक कॉम्प्रेसर चलता है एक फैन चलता है, बराबर। 1.5 टन का, 2 टन का एसी है तो कॉम्प्रेसर 2 टन का होगा, बराबर। तो उसका जो बिजली का कंजप्शन भी 2 किलोवाट जितना हो जाएगा, 2 टन माने, बराबर। और जो फैन होता है वो 60 वोल्ट वाला आता है। अभी जो एयर कंडीशन आते हैं ना वो अशोक जी वो ऑटोमेटिक आते हैं, आपने रिमोट से 20 टेम्परेचर सेट कर दिया, आप सो गए, बराबर। जब रूम का टेम्परेचर 20 हो जाएगा तो एसी क्या हो जाएगा? सब बोलते बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद होगा, लेकिन बंद नहीं होगा। कॉम्प्रेसर बंद हो जाएगा, फैन चलेगा, फैन तो चलेगा ना, जो पंखा है वो तो चलेगा, कॉम्प्रेसर बंद हो जाएगा, आप शांति सोते हो, चलो एसी बंद हो गया। तो माने क्यों आप शांति सोते हो? कि 2 किलोवाट की जो बिजली जाती थी वो बंद हो गई, और 60 की कोई गिनती नहीं है, समझ आता है? जो 2 किलोवाट जो ज्यादा थी, आपको ये समझ में नहीं आएगा, और मैं समझाऊं, मेरे पास दृष्टांत बहुत रहते हैं, दृष्टांत बहुत आते हैं। कभी आपके घर में बाथरूम में जो नल होता है टूट गया कभी? कोई दफे टूटा है नल? हाँ कभी टूटा है? मेरे घर टूटा है। फिर क्या करते हैं? प्लम्बर तो ऑन द स्पॉट तो आएगा नहीं, क्या करते हैं? हमारे ऊपर कॉक बंद, मैं तो मालूम था तू ऐसे ही बोलेगा, ऊपर से कॉक बंद कर दो, लेकिन कॉक नहीं था। अभी क्या करे? तो हमारे एक डंडी लेते हैं, उसमें कपड़ा बांधते हैं और उसमें लगा देते हैं, बराबर है ना? अच्छा फिर पानी आता है कि थोड़ा थोड़ा आता है कि बंद हो जाता है? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन मम्मी पानी बंद हो गया, बंद हो गया माने जितना फ्लो पहले आता था फुल फ्लो वो बंद हो गया, समझ में आता है? और थोड़ा थोड़ा टप आता है, उसकी कोई गिनती गिनने में नहीं आती है। ऐसे पर्याय में रागादि भाव आश्रव भाव है, उसे कर्म का बंध तो होता है लेकिन अनंत बंध नहीं होता है। जैसे रागादि भाव में एकता करता है तो अनंत बंध होता है, ये बात यहां बता दी। अरे हाँ जी, है ना जी, क्या नहीं, मेरे को भी जरूरत नहीं है, हम देसी एसी वाले नहीं देसी वाले, कोई फर्क नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं चला कि नहीं चला। मेरे को पंडित जी, मैं कम से कम उनको साल में 10 एक दफे तो आपका नाम लेके याद करता हूँ, पाई के लिए, वो भजन की बात नहीं, वो तो है, जब एक रहता ननमोल तो वो तो करता ही हूँ, लेकिन राजकोट प्रतिष्ठा थी, माने हम प्रेरणा लेने के लिए बोलता हूँ। और मई के महीने में थी, और आपको मालूम है वहाँ 46-47 टेम्परेचर रहता है, तो हमने जितने भी विद्वान थे सबको एसी कमरे दिए थे, बराबर। तो उनकी गाड़ी आ गई तो वहाँ सीधे जो होटल में माने एसी कमरा था वहाँ ठहराया। फिर मैं सबसे मिलने गया, रजनी भाई
मेरे को कमरा अलग, ये वाला नहीं चाहिए कमरा, एसी वाला। तो मैंने बोला कि भैया बाहर तो गर्मी बहुत है। तो उन्होंने बोला कि बाहर की गर्मी तो सहन होगी लेकिन असंयम की सहन गर्मी सहन नहीं होगी। इतना मैं खुश हुआ उस दिन। तो फिर हमारे पिताजी के साथ ठहरे थे पंडित जी वहाँ, कि नहीं हमको इसी विषय नहीं चाहिए, जहाँ हिंसा हो ऐसा काम नहीं चाहिए, ये अपने लिए एक प्रेरणा है। बराबर, चलो चलते हैं। तो यहाँ समझना, यहाँ पर्याय में होने वाले रागादि भाव, एक बात, वो ज्ञानी के पर्याय में तो अज्ञानी के पर्याय में होते हैं रागादि भाव, शुभ शुभ भाव ज्ञानी को तो अज्ञानी को होते हैं, दोनों को होते हैं। बराबर, लेकिन क्रोधादि में वर्तन कौन करता है, ज्ञानी का अज्ञानी? अज्ञानी। अभी ये रागादि भाव से बंद होता है, वो थोड़ा जो पूछ डांट लगाने के बाद थोड़ा टपकता है पानी, इतना बंद होता है, लेकिन इसमें वर्तन किया, इसमें एकता की, तो फुल क्लोज हो जाता है। और ज्ञानी को ये बंद नहीं है। अन्नानी ताव दोसो, आगे पढ़ो, कुवादि वट्टम तस्स, जो क्रोधादि में वर्तन करता है, रागादि में एकता करता है, राग का करता होता है, राग को अपना मानता है, तस्स कम्म संचयो होदि, उसको कर्म का बंध होता है। माने यहां ये नहीं लिखा कि क्रोधादि भाव से कर्म का बंध होता है, क्या बोला, क्रोधादि भाव से कर्म का बंध होता है ये गाथा में नहीं बताना है। क्रोधादि में जो वर्तन करता है, क्रोधादि को अपना मानता है, क्रोधादि का कर्ता होता है, मैं ज्ञाता हूं ये भूल जाता है, उसको कर्म का बंध होता है। यहां बंध माने अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का बंध लेना, वो बंध होता है। कुहादिसु वट्टम तस्स, तस्स कम्म संचय, उसको कर्म का बंध होता है। जीव सेवम बंधो, ऐसी माने ऐसे अज्ञानी जीव को कर्म का बंध होता है, ऐसा कहा किसने, बणी दो खलु सव दर्शे हिम, यहां भगवान ने ऐसा कहा है। टाइम हो गया आपका, 9:30 तक लेना था ना, नहीं मेरे को, मैं तो फ्री हूँ, कल रात बजे 8 बजे तक फ्री हूँ, आप 11 बजे तक बोलो तो भी मैं लूंगा, हाँ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे कहाँ बिठा दिया रजनी भाई को, गड़ी तो देखते नहीं है। अभी देखो, जीव सेवम बंधो, लास्ट लाइन पढ़ो, 670 नंबर की गाथा, जीव सेवम बंधो गणिदो खलु सर्व दर्शीम, ऐसा कहा किसने, कहा किसने, कहा अरे साथ किसने कहा, एक तरफ आप बोलते हो जो राग का करता होता है वो अज्ञानी, और भगवान को वाणी का कर्ता बताते हो आप, भगवान ने किसे कहा, किसने कहा, अरे बोलो क्यों चुप हो गए सब, भगवान ने कहा, और हम राग का कर्ता हुए तो हमको अज्ञानी बताते हो, कर्म कब बंद होगा, और तीन लोग के नाथ उनको वाणी का कर्ता बताते, कैसे कितना का भैया, किसने कहा ऐसा, भगवान ने कहा। समय सार की 26-27 नंबर गाथा याद करना, तू नए विवाह को समझता नहीं है, तू नए विवाह को, माने भगवान ने कहा ये व्यवहार नहीं का कथन है, वो अपन को ध्यान रखना है। बराबर, चलो अपन टीका शुरू करें। टीका में 3 संबंध की चर्चा आएगी, कितने संबंध की चर्चा आएगी, 3 संबंध की, तादात्मसी संबंध, संयोगसी संबंध, एक क्षेत्रवास संबंध। पहले अपन मोटा मोटा आपको बताऊं, फिर उसकी चर्चा करते हैं अपन। 3 संबंध बताएंगे, कौन कौन से, तादात्म सिद्ध, संयोग सिद्ध और एक क्षेत्रवास संबंध। मेरा प्रश्न आपको ये है, यहाँ ये पूरी 2 गाथा में आत्मा और ज्ञान की बात आई गई, आत्मा और ज्ञान की बात है इसमें पूरी 2 गाथा में, अरे बोलो है, नहीं है, कहाँ है ज्ञान शब्द, कहाँ है अंदर, आत्मा और आश्रव का जब तक विशेष अंतर नहीं जानता तब तक अज्ञानी, अज्ञान तब क्रोधादि में वर्तन करता है, क्रोधादि में वर्तन होता है, कर्म का बंद होता है, और ऐसा भगवान ने कहा है, इसमें आत्मा और ज्ञान की बात कहाँ आई,
अरे आत्मा ज्ञान एक ही बात है, नहीं लेना है देखो ठीक है, जैसे पढ़ो, जैसे यह आत्मा जिसको तादात्म संबंध सिद्ध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष तफावत नहीं होने से भगवान आप टीका गाथा तो पढ़ो, वहां तो आचार्य ने आत्मा और राग की बात की है, क्रोध की, आत्मा और ज्ञान की बात तो नहीं की है, तो आत्मा और ज्ञान के बीच में क्यों लाए? देखो पहले तो तीन संबंध, आत्मा और ज्ञान। देखो आपको यहां आत्मा कॉमन लेना है, आत्मा कॉमन लेना है, आत्मा और ज्ञान तादात्म संबंध, आत्मा और क्रोध संयोग संबंध, आत्मा और जड़ कर्म एक क्षेत्रागत संबंध। पहले इतना याद कर लो फिर आगे चलते हैं। बराबर कितना बोला मैंने, इस तरफ कौन सी पार्टी ली? आत्मा। आत्मा का ज्ञान के साथ संबंध, बोलो कौन सा? तादात्म्य संबंध। आत्मा का क्रोध के साथ संयोग से संबंध, और आत्मा का जड़ कर्म के साथ एक क्षेत्रावास संबंध। बराबर, ये बात पूरी गाथा में लेनी है, तीन की चर्चा करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा और क्रोध की बात करते बराबर है, उसको कर्म का बंध होता हुआ बराबर है, लेकिन आत्मा और ज्ञान की बात क्यों की? गाथा में तो है ही नहीं, गाथा में मनोजी कहां बात है आत्मा और ज्ञान की? आप पढ़ो, मैं तो संस्कृत जानता नहीं, आप पढ़ो। है नहीं है? शाबाश, कहां है आत्मा और ज्ञान की बात? हाँ बोल भैया, कहां की? आत्मा और ज्ञान के बीच में क्यों लाए? आत्मा और आश्रम में वेद की बात बराबर है, आई एग्री। आत्मा और कर्म का बंध होता है, आई एग्री, लेकिन आत्मा और ज्ञान की बात तो मूल गाथा में है ही नहीं, तो संदीप भाई इसमें ली क्यों टीका में? बोल भैया, क्या नाम भूल गया इसका? अजीत। बोल क्यों लिया आत्मा और ज्ञान को? आप एकदम सीरियस मत हो जाओ, जैसे आपको कैंसर हो गया ऐसे मैं बोला आप एकदम सीरियस हो जाते हो, ऐसे मत करो। हाँ बोलो बोलो अशोक जी। अरे तादात्म्य सब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन आत्मा और ज्ञान के बीच में क्यों लाए? बोलो, थोड़ा दिमाग लाओ, अंदर ही है, अंदर ही है, आपका दिमाग लगाना है मेरे को इसलिए। बोलो जी है? नहीं वो बात नहीं, लक्षण की बात नहीं है। चलो और बोलो। हाँ बोलो भैया। हाँ तो मैंने कहा मना किया, मैंने कहा मना किया साथ में नहीं रहते? हाँ आत्मा का ज्ञान लक्षण है, तादात्म है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी बात इधर ली क्यों है? नहीं प्रगट ज्ञान की बात नहीं है। चलो हाँ बोलो बेटा। ना थोड़ा दिमाग लगाओ ना, मैं तो बताने वाला हूं और अंदर से ही बताऊंगा। देखो अब सिंपल बताता हूं, जैसे मैं बोलूं अभी एक दृष्ट, हाँ जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे शक्कर का लक्षण कौन सा है? मीठा। ऐसे आत्मा का लक्षण ज्ञान है। बराबर, एक मिनट दृष्टांत दे अभी तो। शक्कर का लक्षण मीठा है, ऐसे आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो मैंने शक्कर को क्यों याद किया? दृष्टांत के रूप में, शक्कर में आत्मा का लक्षण ज्ञान, वो दृष्टांत के रूप में क्या बताया? शक्कर का लक्षण मीठा। ऐसे आत्मा और ज्ञान को दृष्टांत के रूप में दिया है आचार्य देव ने। जैसे 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 तैसे, जैसे किसके लिए होता है? दृष्टांत के लिए। नहीं समझ में आता अभी तक?
आत्मा और ज्ञान को दृष्टांत के रूप में प्रेजेंट किया है। बराबर। तो प्रश्न होगा अपन को भी, आत्मा और ज्ञान को दृष्टांत के रूप में प्रेजेंट किया है, उसको क्रोध और आत्मा में कैसे ग्रेडिंग करेंगे? समझना, आत्मा और ज्ञान उसमें तादात्म्य लक्षण है, आत्मा और क्रोध उसमें संयोग सिद्ध लक्षण है। पहले इतना क्लियर कर लो, फिर से बोलता हूँ, आत्मा और ज्ञान में कौन सा लक्षण है? तादात्म्य सिद्ध। आत्मा और क्रोध में संयोग सिद्ध संबंध। अभी मैं बोलता हूँ आत्मा और क्रोध को समझाने के लिए आत्मा और ज्ञान का दृष्टांत दिया, तो साफ दृष्टांत तो एक जैसा बताना चाहिए ना, जो उसमें होता है इसमें होता है ऐसा बताना चाहिए, इसमें मिठास लक्षण है इसमें ज्ञान लक्षण है तो स्पीड होता है। आप यहां तादात्म्य लक्षण लेते हो, यहां संयोग लक्षण लेते हो, तो दृष्टांत कहां सेट हुआ? दृष्टांत कहां सेट हुआ? हर कोई मगज में आता है थोड़ा? समझना, यहां आत्मा और ज्ञान को दृष्टांत के रूप में दिया है और गठित करना आत्मा में क्रोध में, लेकिन तादात्म्य और संयोग उसमें से गठित नहीं करना है। जैसे आत्मा और ज्ञान में लक्षण तादात्म्य है, इसलिए उसमें विशेष भी नहीं है अंतर भी नहीं है, इसमें विशेष भी नहीं है अंतर भी नहीं है, इसलिए ज्ञानी उसमें विशेष देखता नहीं। समझना, इसमें ज्ञानी विशेष देखता नहीं, आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं करता। क्यों भेद नहीं करता? क्योंकि भेद है नहीं। जैसे ज्ञानी धर्मात्मा इसमें भेद नहीं करता, ऐसे अज्ञानी इसमें भेद नहीं करता, ये समानता बतानी है। लेकिन फर्क क्या है? यहां भेद था नहीं और भेद किया नहीं, यहां भेद था और भेद देखा नहीं। समझ में आता है? लेंगे कल चर्चा इसकी करेंगे, अभी का समय हो गया। भाई जी, रजनी भाई।